आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत नगर निगम के नवनिर्मित सदन हॉल में तथा नगर आयुक्त अविनाश सिंह की अध्यक्षता में महिलाओं के स्वयं सहायता समूह एवं वित्तीय संस्थाओं के साथ वृहद गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने बताया कि पूरा देश आज़ादी के महोत्सव को अमृत महोत्सव के रूप में सेलिब्रेट कर रहा है। उसी क्रम में सहायता समूह की महिलाएँ, बहनें और बैंक प्रबंधकों के साथ एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं की आय को दुगना करने के संबंध में और आय को दुगना करने में जो दिक्कतें आ रही हैं उसके संबंध में बैंक प्रबंधकों से बात भी किया गया। संगोष्ठी में रेहड़ी पटरी वालों को भी समझाया गया कि जो 10,000 रुपये का लोन मिल रहा है उस लोन को लेकर अपना व्यवसाय शुरू करें और लोन की किस्तें समय से भरते रहें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश पर महिला सशक्तिकरण के लिए सार्थक पहल होगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा, बहुत ही अच्छा वर्क करती हैं, पर दीदी तो बहुत अच्छी बातें सुनते हैं, पर जब महिलाएं जाती हैं खाता खोलने के लिए तो एक से एक बार में तो नहीं ही होता, कम से कम 10 से 15 बार महिलाओं को दौड़ाया जाता है जी, सही। और सुबह से शाम तक बैठाया जाता है सर, किसके घर की महिलाएं सुबह से शाम तक बैठेंगी, उनको प्रॉब्लम घर पर जाएंगी, दूसरे दिन फिर जाने को कहा जाता है तो कहती हैं कि हम घर देखेंगे, हम जाके बैंक में बैठे रहेंगे, तो ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सर। अगर काम नहीं करना है तो उनको उसी समय मना कर देना चाहिए कि आप दूसरा बैंक देख लीजिए, क्योंकि महिलाएं हैं, इनको बार बार तंग किया जाता है। और सर इंडियन बैंक से मैं कहना चाहूँगी कि आपका आजाद चौक की शाखा ने एक शिष्य किया था बीना जी का सर, कम से कम 6 महीने मैं 3 बार गई, हमारे मैडम के सारे स्टाफ गए, PO सर ने खुद बात किया, आज तक उसका अकाउंट नंबर नहीं मिला कि हम लोग उसको पोर्टल पर चढ़ा सकते। हम लोगों को दो तरह से देखा जाता है, NRM का खाता भी जल्दी मिल जाता है, आज तक नहीं हुआ, अब वो ट्रांसफर हो गया, उनके पास वाला होगा, इसी वजह से वो इतना ये नहीं बोलते कि मैं नहीं करूँगा, 4 महीने तक वो उनका सहयोग रहेगा तो महिलाएं अच्छा काम करेंगी। और NRM ने उनके साथ सारे PDO से लेकर के सारे लोग लगे रहते हैं, उनका काम भी जल्दी से हो भी जाता है, पर इन धोनी के लिए आपके पास जाएंगी, जब इनको इनके खाता खोलने में ये पैसा दे दिया आपको तो आप 1 महीने लगा देते हैं, तो ये प्रॉब्लम इनके साथ बहुत बड़ी है। मैडम और मंगलवार को पहले मैं बात कर लेता हूँ, उसके बाद फिर महिलाओं को भेजिएगा, पैसा भी पहले महिलाएं चले सर, हम अपने टाइम माने हैं, पहले मैं ये कर रहा हूँ वहाँ से उनसे मैं समय दिलवा दूँ, आप कितने बजे बुला रहे, उसके बाद अगर वो रिटर्न होते वहाँ पर चल रहा था, हमको याद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए थे, हम लोगों ने वहाँ पे ब्लैक राइस विंध ब्लैक राइस के नाम से FPO बनवाया था, महिलाओं का ग्रुप बनवाया था, फॉर्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो ग्रुप बनवाया था, उस ग्रुप से उन लोगों ने अपने घर में काले धान की खेती शुरू की और धीरे धीरे फिर उसके बाद इतना अच्छा था, इतनी डिमांड पड़ी कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने फर्स्ट उसका जो पैकेट था उन्होंने खरीदा था, मीडिया को उन्होंने इसकी लॉन्चिंग किया था, जब फिर वो लखनऊ गए तो वहाँ पर उन्होंने ही मिर्जापुर से सारा वो मंगवाया था, वहाँ पर लखनऊ में बंटवाया था, तो धीरे धीरे मैंने फिर जैसे आप लोग देखते हो कि कंपोस्ट होता है, खाद होती है, लोगों को लगता है सर इसमें क्या, वहाँ पर लोग टमाटर था, मिर्चा था, ये सब चीज़ें टमाटर मटर आप लोग इस बात को समझिएगा कि वो सारी चीज़ें जो थी, टमाटर वहाँ का इंग्लैंड जाता था, इंग्लैंड के लोग वहाँ आते थे और उनसे बात करते थे महिलाओं से और उनसे पूरा समझते थे और उनको उन सब चीज़ों को सब फॉरेन जाता था, बहुत अच्छी उनकी आमदनी होती थी, नाबार्ड के चेयरमैन साहब आए थे और महिलाओं के इसी समूह को 25 लाख रुपए का अवार्ड भी दिया था। अभी भी मैं देखता हूँ कि बहुत ज़्यादा गोरखपुर में तो खास तौर से है, क्योंकि मैंने कई बार कहा था कि हम जैसे कि में जा रहा है, अगर वही पैसा जो वही विनयन हमको आपसे मिलने लगी उसी क्वालिटी का, उतनी क्वान्टिटी हम आपसे ले लेंगे कि आप अगले से कर सको, नहीं सर मेरा सबसे अच्छा, और फिर आदमी जो है वो खरीदने के लिए मजबूर हो जाए, नहीं नहीं इनका सबसे अच्छा है, तो आपके अभी जैसे झाड़ू हुआ। आज पूरा देश आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है और हम सभी लोग आज़ादी के इस महोत्सव को अमृत महोत्सव के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं और उसी की कड़ी में 11 तारीख से 17 तारीख तक
हर घर गंगा कार्यक्रम भी चल रहा है, जिसमें कि तिथिवार प्रत्येक दिन देशभक्ति से परिपूर्ण विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उसी की कड़ी में आज नगर निगम गोरखपुर के हॉल में स्वयं सहायता समूह की जो हमारी महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, और बैंक के जो हमारे बैंक प्रबंधक, वहाँ के जो अन्य ऑफिसर्स हैं, उनके साथ एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसमें से उनकी बहनों की आय को दुगना करने के संबंध में और उस आय को दुगना करने में जो दिक्कतें आ रही हैं उनके संबंध में बहुत ही सार्थक विचार विमर्श हुआ। बहुत सी बहनों ने लोन लेने में जो दिक्कतें आ रही हैं उसके बारे में बताया। बैंक से जो आए प्रबंधकों ने मुद्रा लोन के बारे में डिटेल से बताया कि कैसे आपको इस प्रकार से आप फॉर्म भरिए, इसके अलावा आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको किसी बीच में मिडिल मैन के बीच में नहीं जाना है, और किस प्रकार से आप यहाँ से लोन लेकर आप आगे अपने व्यवसाय को बढ़ा सकती हैं। इसके साथ साथ इसमें बहुत से ऐसे भी लोग थे जो रेहड़ी पटरी खुमचे वाले थे, जिनको कि स्वनिधि से जो 10,000 का लोन मिलता है और उस लोन को जब वो चुकता करते हैं तो उसको 20,000 का मिलता है, तो उनको भी इस बात के लिए मोटिवेट किया गया कि आप लोग जो 10,000 का लोन है उस लोन को लेकर अपना व्यवसाय को शुरू करें और लोन की किस्तें जो हैं समय से भरते रहें, और उसके पश्चात जब वो किस्त हो जाए आप पूरा रीपे कर दें तो पुनः आप जो है आपको 20,000 लोन मिलेगा, उस लोन को लेकर आप अपने व्यवसाय को और आगे बढ़ाइए। इसके साथ साथ उनको ये भी बताया गया कि आपको तो जैसे कि जो भी बहनें झाड़ू पोछा डस्टर फिनाइल आदि चीज़ों का निर्माण कर रही हैं उनके लिए तो नगर निगम अपने आप में एक बहुत बड़ा कस्टमर है। जो चीज़ें हम ओपन मार्केट से खरीदते हैं वो हम चीज़ें इन बहनों से खरीद लेंगे, और ये जो हमारी बहनों को ये रक्षाबंधन का सबसे अच्छी सौगात होगी, भेंट होगी, और महिला सशक्तिकरण की दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी की जो दिशा निर्देश हैं उनकी दिशा में उसी दिशा में एक या एक सार्थक पहल होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ये बैठक की गई। बैठक के साथ साथ हमारी बहनों ने जो है एक रंगोली प्रतियोगिता भी आयोजित की गई थी, जिसमें कि जो भी उसका निरीक्षण करने के पश्चात जो फर्स्ट सेकंड थर्ड उसमें आए रंगोली प्रतियोगिता में उन लोगों को आकर्षक जो था इनाम भी प्रदान किए गए, और इस प्रकार ये एक बहुत ही सार्थक नोट के साथ यह आज की जो बैठक थी, जो हमारी राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की स्वयं सहायता समूह की महिलाएं थी, बैंक प्रबंधक थे, बहुत ही सार्थक नोट के साथ ही बैठक समाप्त हुई।